दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते हो और अपलोड करने के बाद उस पर जो व्यूज आते हैं 50, 100, 500, 1000 व्यूज, बस इतने पर रुक जाते हैं, यार इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर देने से बस आपका रील्स वायरल हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हो भाई। ऐसे वायरल नहीं होगा। जब तक इंस्टाग्राम अकाउंट का सारी सेटिंग्स को आप सही से ऑन नहीं कर लेते हो, तब तक दोस्तों आपका रील्स वायरल हो ही नहीं सकता। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम पर बहुत सी सेटिंग्स होती है, इसको ऑन करना होता है। इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। हो सकता है कि आप अपना जब रील्स प्ले करके देखो, तो आप देखोगे यार कि आपने वीडियो तो बहुत अच्छे क्वालिटी में अपलोड किया था, एडिट किया था, लेकिन अपलोड करने के बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी एकदम बेकार हो गई। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं यार कि हाईएस्ट क्वालिटी में कैसे अपने रील्स को अपलोड करें, आपको कुछ पता ही नहीं है। बहुत ऐसी सेटिंग्स है दोस्तों, अभी इंस्टाग्राम बिल्कुल अपडेट हो चुका है तो और भी नई नई सेटिंग्स जुड़ गई है, उन सारे सेटिंग्स को हम ऑन करेंगे। इस वीडियो का पूरा कंप्लीट अच्छे से देख लो, हर एक प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर लो, 100% दोस्तों आप अपने रील्स को वायरल कर लोगे, आपके रील्स पर भी यार लाखों में मिलियन व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए हर प्रोसेस को। दोस्तों साइड में मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, हर एक प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, सबसे पहला काम है दोस्तों आपको करना क्या है, आप प्ले स्टोर ओपन करिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करके यहां पर इंस्टाग्राम सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा आपका इंस्टाग्राम का जो ऐप है वो अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट होगा तो यहाँ ओपन नहीं कराएगा, अगर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट लिखा होगा, पहले अपडेट कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम अपडेट करोगे तो काफ़ी जो नई सेटिंग्स है वो आपके अपडेट हो जाएंगे, फिर उसको ऑन करोगे, फिर रील्स अपलोड करोगे, तब आपका रील्स वायरल होगा। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी अपडेट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करके मैं आपको बिल्कुल नया अकाउंट दिखाता हूँ, ये मेरा पुराना अकाउंट है, मतलब मेन अकाउंट था। ठीक, बिल्कुल नया अकाउंट बना रखा हूँ ताकि आप समझ सको, हो सकता है कि आपका बिल्कुल नया अकाउंट हो इंस्टाग्राम का, तो आप समझ सको। ठीक है, जैसे आप नया अकाउंट अपना साइन इन करोगे, इसमें अब आपको करना है क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा हर एक प्रोसेस। ये जो दिख रहा है थ्री लाइंस, इस थ्री लाइंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये थ्रेड्स मिला, थ्रेड्स को छोड़ दो। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। ठीक है, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, ध्यान से देखना, अकाउंट प्राइवेसी। इसको एक बार आपको चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अकाउंट प्राइवेसी भी जब क्लिक करोगे ना, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है प्राइवेट अकाउंट। ठीक है, ये ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो, मान लो काफ़ी लोग का ये ऑलरेडी मतलब पहले से ऑन रहता है, अगर आपका दोस्तों अगर ये ऑन है तो आपका अकाउंट दोस्तों प्राइवेट हो जाता है। अगर आप प्राइवेट अकाउंट पर अगर आप रील्स अपलोड करोगे तो कहाँ से आपका रील्स वायरल होगा यार, किसी को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट ही प्राइवेट है, प्राइवेट पर रील्स वायरल नहीं होती है। तो आपको अपना अकाउंट जो है उसको पब्लिक करना होगा, तो इसको हमेशा ऑफ कर दीजिएगा। अगर आपने प्राइवेट अकाउंट वाले ऑफ कर दिया तो अब आपका जो अकाउंट है ना वो पब्लिक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया पब्लिक। अगर पब्लिक लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, अकाउंट प्राइवेसी में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये आपको हर हाल में करना है, वरना आपका रील्स वायरल हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम लोग को पता नहीं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे दो ऑप्शन मिलते हैं अकाउंट टाइप के अंदर। ठीक है, पहला लिखा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट में इसको स्विच कर सकते हो, आपका जो भी अकाउंट है उसको स्विच कर सकते हो, या फिर ऐड अ न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, आप नया प्रोफेशनल अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको नया बनाने की क्या जरूरत है, आपने जो भी अकाउंट अभी बनाया ना उसी को आपको यहाँ पर स्विच कर लेना। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, अब यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब तक आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करोगे, कहाँ से रील्स वायरल होगा यार, आपका होगा ही नहीं रील्स वायरल। तो रील्स अगर वायरल करना है, मिलियन में व्यू चाहते हो, तो ये प्रोसेस करना होगा। जितने भी लोग आपने वीडियो देखा है ना, मतलब रील्स देखा जो वायरल होते हैं, सब लोग ये प्रोसेस करते हैं, प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं। आइए कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत आसान था प्रोसेस है, ध्यान से देखना। ठीक है, कंटिन्यू नीचे लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करते रहना। ठीक है, क्लिक करते रहोगे, ऐसे ऐसे पेज आता रहेगा, जब क्लिक कर दोगे अब आपके सामने आएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू। आप कुछ ना कुछ तो करते होगे यार, कोई ना कोई आपकी कैटेगरी होगी, आपको अपना कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप क्या हो, आप आर्टिस्ट हो, ब्लॉगर हो, डिजिटल क्रिएटर हो, एजुकेशन, जो भी आपका कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। देख सकते हो काफ़ी ढेर सारा यहाँ पर दे रखा है। अगर आप सिर्फ वीडियो बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो आपके लिए भी कैटेगरी यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम स्क्रॉल डाउन करना, लास्ट में यहाँ लिखा होगा वीडियो क्रिएटर। ठीक है, आप सिर्फ रील्स बनाना है आपको, तो आप इस वाले को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, देखो हमने इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर देखना, यहाँ लिखा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। अगर आप इसको ऑन कर दोगे
तो दोस्तों आपका जो भी अकाउंट रहेगा ना उस पर ये दिखेगा, ऊपर लिखा हुआ आएगा वीडियो क्रिएटर अगर आप ऑन करते हो, तो ऑन नहीं करोगे तो वहां पर लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आप इसको ऑन कर लेना यार, ठीक है, ऑन कर लेना, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। आपके अकाउंट में कोई पहुंचेगा तो देख के समझ जाएगा कि आप वीडियो क्रिएटर हो, वीडियो बनाते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर डन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप डन पे क्लिक कर दो, ये वाला जो स्टेप है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल से यहाँ पे 5 से 10 सेकंड लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका सामने आएगा, यहाँ पर क्रिएटर लिखा रहेगा और बिजनेस लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आप वीडियो क्रिएटर हो दोस्तों तो आप क्रिएटर वाले को सिलेक्ट रहने देना, नेक्स्ट पे आप क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है ओके, ओके पे क्लिक कर देना। फिर लिखा है यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पर पहले दोस्तों 5 स्टेप था, अभी 6 स्टेप हो गया है। इन पूरे 6 स्टेप को आपको कंप्लीट करोगे तभी आप प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर पाओगे। एकदम आसान है कंप्लीट करना, मैं आपको मतलब ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे कंप्लीट करना। लिखा पहला लिखा है यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल, प्रोफाइल को कंप्लीट करो। चलो यहाँ पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए सारा नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बायो वगैरह सब लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है ऐड प्रोफाइल फोटो, तो आप कोई भी यहाँ पे प्रोफाइल फोटो ऐड कर लेना। जैसे ऐड करोगे यहाँ पर ये जो टिक है ना, ये मतलब हाईलाइट हो जाएगा, यही हाईलाइट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करते हैं, न्यू प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करते हैं। चलो हम इसी को लगा लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारा लग गया, ठीक है। अब नीचे लिख रहा है कि बायो में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखना है, देखो नीचे यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, लिखने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ लिख देना। आप जो भी करते हो, वीडियो क्रिएटर हो, किस तरह की वीडियो बनाते हो, सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों आप जब बैक आओगे देख सकते हो ये हाईलाइट हो गया, जैसे हाईलाइट हो जाएगा बस आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, देख सकते हो कंप्लीट हो गया। 5 स्टेप और बचे, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देख लो कैसे कंप्लीट करना, बड़ा आसान है। क्लिक करो, गेट इंस्पायर्ड लिखा हुआ ना, इस पर क्लिक करो, आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है। आपको कुछ करना ही नहीं है, चाहो तो इनको फॉलो कर लो, चाहो तो बस ये पे हाईलाइट है इस पर क्लिक कर दो, टिक वाले पे क्लिक कर दिया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, कितना आसान है, ठीक है। तीसरा है ग्रो योर ऑडियंस, ठीक है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर तो सबको करना क्या होता है, इसको इनवाइट करना रहता है, चाहे आप व्हाट्सएप इनवाइट कर दो, एसएमएस में कर दो, ईमेल पे कर दो, कहीं भी इनवाइट कर दो, या फिर किसी को फॉलो कर लो, ठीक है। इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करके किसी ना किसी को यहाँ पे हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने शेयर कर दिया, शेयर करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है, ठीक है। जैसे हाईलाइट हो जाएगा टिक पे क्लिक कर दो, 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे लिखा है क्रिएट पोस्ट, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको 3 पोस्ट क्रिएट करना रहता है। देखो पहला पोस्ट बन गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आ गया कैप्शन लिखने का। कुछ भी कैप्शन लिख दो आप अपने हिसाब से, लिखना जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा कैप्शन लिख देना, ठीक है। शेयर पे क्लिक कर देंगे, शेयर पोस्ट पे कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों ये हमारा है, बैक करके दिखाता हूँ आपको। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि जो भी हमने पोस्ट किया था यहाँ पर पोस्ट हो गया है। पोस्ट होने के बाद दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ 3 of 6 step कंप्लीट, पूरा हुआ नहीं है, इसी पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे अभी देखो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के अंदर ही फिर हमको जाना है, फिर एक और पोस्ट करना है, 3 पोस्ट करने होते हैं। चाहो तो कोई दूसरा फोटो कर सकते हो, मैं इसी को कर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो, कुछ भी कैप्शन यहाँ पे लिख दो अपने हिसाब से, आप कोई भी कैप्शन लिख देना। शेयर पे क्लिक कर दो, 2 यहाँ पे पोस्ट हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बैक करते हैं, फिर यहीं पे चलेंगे, एक और पोस्ट कर देंगे तो हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, शेयर, ठीक है ना, कुछ भी यहाँ पे लिख दो शेयर। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर 3 पोस्ट सक्सेसफुली यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, 3 पोस्ट कर दिया है। 3 पोस्ट करने के बाद दोस्तों आप ऊपर देखोगे यहाँ पे हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब आपको यहीं पे क्लिक करना है, 4 स्टेप कंप्लीट हो गया है, 5 और 6 2 स्टेप बचा हुआ। अब लिखा है एक्सप्लोर टूल एंड इनसाइट, इस पर क्लिक करिए। ऊपर जो है ना ये टिक बस हाईलाइटेड दिख रहा है, क्लिक कर दो, 5वां भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टेल अस योर गोल्स, ठीक है, आपको अपना गोल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। लिखा है व्हाट वुड यू लाइक टू सी मोर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट योर टॉप 2, कोई भी 2 चीज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिच, आप जो भी चाहो मीडिया एंगेजमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, रिच सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है, जो भी चाहते हो आप सिलेक्ट कर लो, लाइक कमेंट कर लिया, मैसेज कर लिया, डन पे क्लिक कर दो, ठीक है। देख सकते हो हमारा पूरा 6 का 6 स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आपका ये जो है ना अकाउंट है प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डन पे क्लिक करो, डन पे क्लिक कर दो दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ आ गया है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको दिखने लगा। इससे क्या फायदा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना, जितना भी आपके रील्स पर व्यूज आएंगे, कहाँ पे आपका रील्स कितना व्यूज आ रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता है, सारा ग्राफ आपको यहाँ पर दिखेगा। सी ऑल पे करोगे ना, यहाँ पूरा आपको ग्राफ दिखता है, ठीक है। अभी तो हमारे बिल्कुल नया अकाउंट है, यहाँ पर कुछ दिखने रहा है, जब ये पुराना हो जाएगा मतलब जब इस पर अपलोड करेंगे रील्स वगैरह, सारा यहाँ पर दिखेगा कितना अकाउंट पर रीच आया, एंगेज आया, फॉलोअर्स है, सब यहाँ पर दिख सकता है, ठीक है। यहीं से आपकी अर्निंग भी होती है। बैक फिलहाल हम कर लेते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में दोस्तों आपने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिसको आपको ऑन करना है,
उसको भी ऑन करना बहुत जरूरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना थ्री लाइंस, आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर लिखा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग को पता ही नहीं है और ऐसे ही रील्स अपलोड कर रहे हैं। रील्स अपलोड करना, लेकिन पहले ये तो ऑन कर लो। यहाँ आओ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा शेयरिंग एंड रिमिक्सेस। ये क्या है आप ध्यान से देखो, मैं इसको ऑन करता हूँ, मतलब इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर देख लो दोस्तों, ये सब जो है ना, जितना भी ये है देख सकते हो, सब ऑन है यहाँ पर। ये सब ऑन होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलाउ एवरी वन टू रिमिक्स। यहाँ पर लिखा है ओनली अलाउ पर्सन डेट यू हैव फॉलो टू रिमिक्स। आपके जो भी रील्स है उसके साथ कौन कोलैब कर सकता है, उसके साथ कोई रिमिक्स बनाना चाहता है तो कौन बना सकता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डोंट अलाउ रिमिक्सेज। बहुत लोगों का दोस्तों सेटिंग्स पे ये यहाँ पर ये क्लिक रहता है, देख सकते हो। अगर आपका भी अगर यहाँ पर क्लिक होगा, यहाँ पर टिक लगा होगा डोंट अलाउ रिमिक्सेज, तो आप जो भी रील्स अपलोड कर रहे हो ना, आपके रील्स के साथ में कोई भी रिमिक्स बना ही नहीं पाएगा। जब आपके रील्स के साथ लोग रिमिक्स नहीं बनाएंगे, कहाँ से आपका रील्स वायरल होगा भाई। तो ये सेटिंग ध्यान से देख लेना और आप अपने यहाँ पर इसको ऑन कर देना, ये यहाँ पर सेलेक्ट करना इस वाले पे, ताकि आपका जो भी रील्स है ना उसके साथ कोई भी रिमिक्स बना सके। जब ज्यादा लोग आपके रील्स का रिमिक्स बनाएंगे, उसके साथ वीडियो बनाएंगे, मतलब रील्स बनाएंगे, तब आपको वायरल होने के चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ भी देखो दोस्तों, इस सारे को ऑन कर लेना। देखो ध्यान से, अलाउ रिमिक्स ऑन रील्स फीड वीडियो पोस्ट, सबके साथ रिमिक्स लोग करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके अकाउंट का रिच बढ़ेगा। तो हो सकता है ये सारा आपका ऑफ हो, तो इन सारे को आप ऑन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है शेयर स्टोरी टू फेसबुक, फेसबुक पर भी शेयर हो जाए आप जो भी रील्स यहाँ पे अपलोड करो। इसको भैया ऑन कर लेना, फेसबुक का रिच इतना ज़्यादा है इस टाइम पे, आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ रील्स अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, लेकिन यार अगर उसी को अगर आप ये ऑन कर लोगे तब आपके फेसबुक पर भी अपलोड हो जाएगा अपने आप से। और जब फेसबुक अपलोड होगा ना भाई, आप खुद ही रील्स का व्यूज़ देखना कितना ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा। तो ये जरूर उसको ओपन कर लेना, ठीक है। इसको भी ऑन कर देना, सब कुछ फेसबुक पे आपका साथ साथ में यहाँ पे जाएगा, सारा यहाँ पे हर एक बटन ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब दोस्तों आपके सामने हम यहाँ पर रील्स अपलोड करेंगे, देखो कैसे अपलोड करना, ध्यान से देखना। रील्स अपलोड करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर रील्स वाले सेक्शन में। ये ध्यान देना दोस्तों, ये जो है ना ये रील्स, यहाँ पर क्लिक करना। जो भी रील्स दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सारे रील्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, देख सकते हो। ये ट्रेंडिंग रील्स है, इस पर काफी ज्यादा यहाँ पर लाइक है। अब लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कोई रील्स वायरल हो रहा है, जैसे मान लो ये रील्स है ये वायरल हो रहा है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं इस रील्स को डाउनलोड कर लेते हैं, इसका जो ऑडियो रहता है उसका यूज करके खुद वीडियो बनाते हैं, उसको बाहर से किसी एप्लीकेशन का यूज करके, मतलब एडिटर का यूज करके उसको एडिट कर लेते हैं, इस ऑडियो को लगा लेते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं। भाई ऐसे थोड़ी ना वायरल होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर ये वायरल हो रहा है दोस्तों, तो इसका साउंड आप यूज करिए। साउंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो, यहाँ पर हर एक रील्स के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे साफ साफ बता रहा दोस्तों कि इसका यूज करके इतना यहाँ पे रील्स बन चुका है, 6.8 मिलियन रील्स यहाँ पर बना हुआ है। इस साउंड का यूज करके तकरीबन 68 लाख रील्स बन चुका है, ठीक है। और उसने रील्स पर कितना कितना व्यूज है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, 38 मिलियन व्यूज, 2.6 मिलियन व्यूज, 47, 45, 16 मिलियन व्यूज। ये जो भी रील्स है ना दोस्तों, ये सब यूज किए हैं इस ऑडियो को, यहाँ से यूज करते हैं। यहाँ से कैसे यूज करना ध्यान देखो, अगर आप भी यहाँ से यूज करोगे तो आपका भी रील्स दोस्तों इसी के अंदर आपको शो करेगा। जब इसके अंदर शो करेगा तो कोई भी यहाँ पे पहुंचेगा तो आपका भी रील्स देखेगा, ठीक है। तो यूज ऑडियो पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप चाहो तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑलरेडी आपने बना रखा है, एडिट कर रखा है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, गैलरी में जो भी आपका है वीडियो आपने बना रखा है, उस वीडियो को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर ये वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो को अगर हमने लिया है ना, तो इसको आप देखो करना क्या है, यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू है, देख सकते हो, एडिट वीडियो, इस पर क्लिक करके दोस्तों हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें से मान लो कि हमें कुछ भी यहाँ पर क्लिप ऐड करना है या फिर लिखना है, हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बैक कर लेते हैं, यहीं पर दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है म्यूजिक का। देखो यहाँ पे म्यूजिक वाले पर आप यहाँ पे क्लिक करना। म्यूजिक पे क्लिक करके दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल्स का, कंट्रोल बॉक्स का, ठीक है। इस कंट्रोल पे क्लिक करना, इस चीज को समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो भी हमने वीडियो बना रखा है, इसमें पहले से एक ना एक साउंड होगा जो मैंने कहीं से भी वीडियो को रिकॉर्ड किया है, तो ठीक है। तो ये जो साउंड आपको दिख रहा है ना, ये मेरे वीडियो का साउंड है, ठीक है। इसको चाहो तो आप हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो, या फिर थोड़ा कम कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। और ये जो साउंड है दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पर जो गाना है, इस जो ट्रेंडिंग गाना है जिसके साथ में जिसका ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ, उसका ये वॉल्यूम है। इसको भी चाहो तो आप यहाँ पे डाउन या फिर अप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप पूरा फुल कर लेना, और आपका जो ऑडियो दोस्तों आप चाहो तो इसको हल्का सा रख सकते हो, तो क्या होगा, दोनों कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अपलोड किया जाता है, समझ रहे हो। या फिर चाहो तो आप इसको पूरा कम भी कर सकते हो, ताकि आपके वीडियो का आवाज़ ना आए, सारा आवाज़ जो है इस ट्रेंडिंग वाले रील्स का आवाज़ है, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, इतना करने के बाद डन कर दीजिएगा, ठीक है। डन कर दिया, डन करने के बाद यहाँ से बैक करिए। आप चाहो दोस्तों इसमें फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर जाओगे ना, जो थ्री स्टार बनाए, क्लिक करो, एक से आपको दोस्तों यहाँ पे फिल्टर मिल जाते हैं, आप उस फिल्टर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बहुत से फिल्टर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका यूज़ करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ बैक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करोगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ भी कुछ सेटिंग्स है, इसको भी ऑन कर लेना, ठीक है।
यहां पर क्या दोस्तों, सबसे पहले यहां पर है एडिट कवर। आपका रील्स किसी के सामने भी शो करे, कहीं भी अगर आप इसको अपलोड करोगे तो शो करे, वो क्या फोटो शो करे सामने, ये यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। कवर फोटो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, देख सकते हो सारा यहाँ पे आपको वीडियो का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। आप जो चाहते हो, जिस भी पार्ट को चाहते हो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम इसको करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हो गया, या फिर इसको करना चाहते हैं तो उस पार्ट को आप सिलेक्ट कर लो, या फिर अगर आपने पहले से कोई स्क्रीनशॉट ले रखा है तो यहाँ से आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, डन पे क्लिक कर दिया, हमारा ये कवर फोटो लग गया, ठीक। अब थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद दोस्तों एक चीज़ ध्यान से रखना, यहाँ लिखा हुआ ऐड टॉपिक, ठीक है, ये सब नया फीचर है, इसको भी ऐड कर लो। यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट अप टू 3 टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपका जिस भी वीडियो जो भी आप अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी रील्स डाल रहे हो, किस चीज़ से किस चीज़ से रिलेटेड है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल एंड ट्रेंड है, बाकी और क्या है यहाँ पर, जो भी अगर आपका हो सकता है कि अगर कोई एनिमल्स रिलेटेड है तो आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। हर एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है, आप अपने हिसाब से देख लेना क्या क्या है, कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद से डन पे क्लिक कर देना, इससे थोड़ा आपका रीच बढ़ जाता है, आपके अकाउंट का रीच बढ़ता है, आपके रील्स का रीच बढ़ जाता है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग्स, इसको क्लिक करना, इसको भी ध्यान समझना। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करोगे ना, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। जो आप रील अपलोड कर रहे हो ना, अपलोड करने के बाद से आपके रील्स की क्वालिटी एकदम बेकार हो जाती है, बहुत लो क्वालिटी में दिखता है। अगर आप इसको ऑन कर दिया ना, देखो अब मैंने अभी ऑन किया, ऑन कर दिया ना, अब जो भी हम रील अपलोड करेंगे नया ऐप पे वो हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड होगा, एकदम HD में अपलोड होगा, कोई देखेगा तो एकदम अच्छे से उसको दिखेगा, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी में दिखेगा। तो इसको ऑन कर लेना, अगर आप चाहते हो कि आपका जो लाइक बटन है ना, कितने लोगों ने लाइक किया किसी को दिखे ही नहीं, तो आप इसको ऑन कर लेना, आपका लाइक दिखेगा नहीं। बहुत से लोग ऐसा होते हैं अपना लाइक छुपा लेते हैं, अगर आप चाहते नहीं आपका लाइक जो है दिखना चाहिए तो रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको बैक कर लो, इतना आपने कर लिया ना, यहाँ पर एक कैप्शन लिखना, जो भी आप कैप्शन लिखना चाहते हो दोस्तों अपने हिसाब से लिख लेना, जैसे मैं आप लिख रहा हूँ मनाली। लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे हैशटैग का यूज जरूर करना, हैशटैग में क्या क्या यूज करना है दोस्तों, देखो हैशटैग में आपको यहाँ पे यूज करना इंस्टा, ये सब यूज कर लेना। देखो यहाँ पर साफ साफ लिख के आ रहा है कितना लोगों ने इसको यूज किया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बैक करता हूँ तो अभी लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम देखो मैंने लिखा, यहाँ पे आपको शो कर देगा कितने लोगों ने यूज किया, देख सकते हो ऊपर, इतना हमें अकाउंट भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा लोग इसका यूज करते, तो आप भी यूज कर लेना। हैशटैग लगाना, रील्स लिखना यहाँ पर RELS, देखो कितना लोगों ने यूज किया, इतना ज्यादा, देख सकते इस सारा देखो लिखा हुआ कि इस सारे को आपको इतने अपने रील्स में इसको हैशटैग को आपको यूज करना, इस सारे जितना यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। कम से कम 5-6 यहाँ पर आप हैशटैग यूज जरूर से कर लेना। इतना करने के बाद जब सब हो जाए दोस्तों, अब आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करना, शेयर पे क्लिक कर देना, अब आपका जो रील्स है दोस्तों वो अपलोड हो जाएगा। और वो रील्स कहाँ अपलोड होगा, इसका आपने ऑडियो यूज किया, अलग से आपने एडिट नहीं किया है, अलग से एडिट नहीं किया, ठीक है। तो आपने इसका ऑडियो यूज किया है तो आपका भी रील्स दोस्तों यहीं पे शो करेगा, मैं आपको दिखा दूँ, बैक करता हूँ यहाँ पर, अभी अपलोड हो रहा है, अपलोड हो जाती है, फिनिश हो गया, यहाँ चलते हैं और हमारा रील यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस रील को यहाँ पर प्ले करोगे ना, जैसे प्ले करता हूँ यहाँ पर, इस रील्स में दोस्तों आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ही साउंड पे आप क्लिक करोगे तो हमारा भी जो रील्स है ना वो इसी के अंदर आ गया, 6.8 मिलियन जो लोग यूज किए उसी के अंदर हम भी आ गए, हमारा भी रील दोस्तों इसी के अंदर होगा। जैसे उस पर इंक्रीज होगा, व्यूज इंक्रीज होगा और ऊपर यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑडियो यूज करना, इस तरीके से अपलोड करना। देखो इतना तो जान लो कि अपलोड करने का जो तरीका था वो यही था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो दोस्तों जो सबसे सही तरीका था मैंने आपको वो तरीका बताया है, इसी तरीके से जितने बड़े बड़े इंस्टाग्रामर जो भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो रील्स बनाते हैं, जिनके मिलियन में व्यूज आते हैं, वो भी ऐसे ही रील्स अपना अपलोड करते हैं, यही सारी सेटिंग्स वो भी ऑन करते हैं, कुछ इसके अलावा और कोई सेटिंग्स नहीं है। बट एक बात का याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सारा सेटिंग्स ऑन करके कोई भी रील्स बना कैसे अपलोड कर दे, हमारे रील्स वायरल हो जाएंगे, मिलियन व्यूज आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके कंटेंट में भी दम होना चाहिए, आपका रील्स भी ऐसा होना चाहिए जिसको देख के लगे यार कि वाकई आपने मेहनत किया इसमें और आपका रील्स वाकई बहुत अच्छा आपने कंटेंट बना दिया, तब जाकर दोस्तों आपका रील्स वायरल होगा। देखो सेटिंग्स तो ये सारे ऑन करने हैं आपको, इसी तरीके से अपलोड भी करने हैं, लेकिन हाँ अगर आपका रील्स अच्छा होगा, आपके कंटेंट में दम होगा, तभी दोस्तों आपका रील्स वायरल होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के अपलोड कर दोगे, सारे सेटिंग्स ऑन कर दिए, हमारे रील्स में मिलियन व्यूज नहीं है, ऐसे नहीं होता दोस्तों, ठीक है। कंटेंट इज ऑलवेज किंग, आपको बता रखा हूँ, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको ये सारे सेटिंग्स भी ऑन करना चाहिए। तो अगर आपने यार अभी तक ये सेटिंग्स ऑन नहीं किया है तो तुरंत जाके ऑन कर लो, इस वीडियो को दोबारा चाहते दोबारा देख सकते हो, सारे सेटिंग्स याद कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है यार, तो थोड़ा बहुत आप मेरे लिए भी कुछ कर सकते हो, तो यार इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे यार अगर अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकोगे। मिलता है दोस्तों आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।